बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर कल हमने रिलेशनशिप तक पढ़ा था, आज आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि फर्दर कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है डिफरेंस बिटवीन द एन एंटिटी क्लॉज एन एंटिटी इंस्टेंस। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी है डिफरेंस, कोई मीन के बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है जितनी एक बुक में दी गई है। ओवरऑल भी टॉपिक बड़ा नहीं काउंट किया जाता। एंटिटी क्लॉज क्या चीज़ है और एंटिटी इंस्टेंस क्या चीज़ है। तो इसमें वो कहता है ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड द एंटिटी क्लॉज। ग्रुप ग्रुप किस चीज़ को कहा जाता है जब एक से ज़्यादा, तो एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप। एंटिटीज लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एंटिटी के बारे में बताया था कि जिसके रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है तो ये एंटिटी बन सकते हैं। तो जब किसी एक ही तरह की एंटिटीज हों उनकी बात की जा रही है, द सेम टाइप इज कॉल्ड द एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। फील्ड के नाम जैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बात की जा रही है। अब वो क्या कहता है, ऑल एंटिटीज मीन के जितने भी वो टेबल वगैरह बन गए, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले ऐसा है कि एंटिटी फिर एंटिटी से वही चीज़ आगे जाके टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जब टेबल में कन्वर्ट होती है या एंटिटी होती है, तो एंटिटी के साथ एट्रीब्यूट आ जाते हैं, वही एट्रीब्यूट आगे फील्ड नेम बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है ऑल एंटिटी इन एन एंटिटी टाइप शेयर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। तो उन्हीं के करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को की बात की जा रही है। कहता है ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एग्जांपल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहता है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एन एंटिटी क्लास इज ए कलेक्शन कलेक्शन ऑल स्टूडेंट। ए मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज आल्सो नोन एज द एंटिटी इंस्टेंस। कि जो मेंबर है एंटिटी क्लास का उसको भी हम एंटिटी इंस्टेंस कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में बिल्कुल वाजिया क्लियर हो जाएगा, आप देखें। कहता है ए स्टूडेंट अली ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज एन द एंटिटी इंस्टेंस। स्टूडेंट जो है एंटिटी है, जबकि अली ऑफ एंटिटी का इंस्टेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखें तो हमारे पास कहता है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर जॉइंटली सारी आ जाए तो। वन टू वन का रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास। वन टू वन हम क्यों कहते हैं इसको, असल में दो एंटिटीज को जब आपस में लिंक किया जाता है तो इनमें जरी बात है आपस में लिंक करना है तो किस बुनियाद पे करना है। अब ये सारी की सारी जो डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है वो सेकंड चैप्टर में हमने जो कीज़ की पढ़ी वहाँ से हमें क्लियर होता है। वन का रिलेशन, वन साइड वो कौन सी होती है जहाँ पे प्राइमरी की हो वो रिपीट ना होने दे, तो उसको वन कहते हैं। तो जब प्राइमरी की दूसरे टेबल की प्राइमरी की से कम्युनिकेट करे तो हम उसको वन टू वन का नाम देते हैं। इसका फिर वन टू मैनी का आ जाता है, जब प्राइमरी फॉरेन का चक्कर आ जाए, मीन के एक साइड पे वही कॉलम प्राइमरी है, मीन के एक टेबल में या एक एंटिटी में, और वही जाके दूसरे टेबल के अंदर या दूसरे रिलेशन के अंदर जाके तो फॉरेन की के तौर पे अपेयर हो गया। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट और दूसरी साइड पे ये हो सकता है कोई कोर्स वगैरह हो, सब्जेक्ट आ जाए, तो वो कहता है कि ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप आ जाएगा। आगे इनकी डेफिनेशन वगैरह भी आ जाएंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैनी टू मैनी में ये होता है कि दोनों साइड पे रेपिटेशन आ सकती है, तो जब दोनों साइड पे रेपिटेशन आए तो उसको मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में यहाँ पे वन टू वन का रिलेशनशिप, तो इसमें देखें
वो कहता है दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस, इंस्टेंस हमने पढ़ा क्या है, वो वैल्यूज कहलाती हैं जो किसी एटीब्यूट के नीचे या किसी फील्ड में आई होती हैं। इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। मैं इसको जरा आसान से लफ्जों में बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की डेफिनेशन में क्लियर किया गया है। होता क्या है कि मैं कहता हूँ कि एक रिकॉर्ड है एक टेबल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रिकॉर्ड और दूसरी साइड पे डिग्रीज का हो, ठीक है ना। वबजारी बात है एक सब्जेक्ट में एक बंदा एक ही डिग्री ले सकता है, एक से ज्यादा डिग्रियां नहीं लेता। तो वो कहता है जी लेवल का आ जाता है ना, अब एमएससी की लग से है, ग्रेजुएशन की लग से है, तो दो दफ़ा ग्रेजुएशन की ले ले ये गलत हो जाए, दो दफ़ा एमएससी की हो जाए ये गलत हो जाएगा। अब उसने बताना क्या है कि स्टूडेंट का टेबल जब आया ना तो स्टूडेंट का रोल नंबर नेम फादर नेम लाइक इस तरह की चीज़ें लिख दी गई, तो सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड लिख दिया, अब बार बार यही रिकॉर्ड नहीं लिखने की जरूरत, तो वन हो गया। अब दूसरी साइड पर ऐसा है कि इसके साथ मैचिंग रिकॉर्ड कौन सा आएगा, कि रोल नंबर उसका आएगा और साथ ऐसा है कि सिर्फ एक डिग्री का नाम लिखा होगा, दोबारा से दूसरी डिग्री का नाम लिखना वो उसकी मिस्टेक में चला जाता है, क्योंकि उसकी प्राइमरी की भी डिग्री की कोई ना कोई कोड आ जाएगा तो वो रेपिटिशन नहीं करने देगा, या कोई ऐसी चीज़ और उन्होंने की ऐसी एटीब्यूट्स के साथ लगाई होगी कि जो रेपिटिशन ना करने दे। तो ये दोनों साइड की कम्युनिकेशन जब प्राइमरी कीज़ के साथ होगी तो फिर वन टू वन का रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल वगैरह यहाँ पे हम जो कर लें ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है। आप देखें मैनेजर मैनेजर और दूसरी साइड पे ब्रांचेस आ गए। अब जब हम मैनेजर की बात करते हैं ना तो मैनेजर के अंदर हमारे पास एक ही मैनेजर है जो ब्रांच को एक ही ब्रांच को मैनेज कर रहा है। ब्रांचेज चली जाएँ तो फिर वाला हर एक का कोई ना कोई एक हेड लाजमन होता है। तो इसमें जो एग्जांपल में क्लियर किया गया है कि अगर ब्रांच वाली साइड से देखा जाए तो वन, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आती है ना इसको ये वन का रिलेशनशिप शो करती है कि एक ब्रांच का एक ही मैनेजर, दूसरी साइड पर देखा जाए ना एक मैनेजर एक ही ब्रांच का, तो इसको हम क्या कहेंगे वन टू वन का रिलेशनशिप। फिर वो कहता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप कौन सा है, वन टू मैनी का। वन टू मैनी के रिलेशनशिप के अंदर अगर आप देखें वो कहता है दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, एक रिकॉर्ड जो है उसमें कोई एक वैल्यू ऐसी है, एक रिकॉर्ड की कोई वैल्यू फर्स्ट एंटिटी क्लास की, देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द सेकेंड एंट्री क्लास, और सेकेंड एंट्री की बहुत सारी वैल्यू के साथ उसकी रेपिटेशन है। किस तरह से कहता है क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंट्री क्लास, इसी तरह सेकेंड एंट्री क्लास की जो रेपिटेशन है देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंट्री क्लास, लेकिन सेकेंड की बहुत सारी एंट्रियों की सिर्फ एक ही एंट्री कम्युनिकेट करती है पहले वाली एंटिटी से। जैसे कि ये एग्जांपल में अगर आप देखें तो कॉलेज, कॉलेज में यहाँ पे देखें ना कॉलेज, ये वन का रिलेशनशिप है, वन कॉलेज मैनी डिपार्टमेंट, ये जो सिंबल है ये मैनी का डिपार्टमेंट, वन कॉलेज मैनी डिपार्टमेंट, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक ही कॉलेज होता है, ठीक है ना, तो इस वजह से इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे वन टू मैनी। फिर हमारे पास आ जाता है मैनी टू मैनी का, याद हमेशा रखना है कभी भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप दो टेबल्स के दरमियान में नहीं आता, वो जब भी आएगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तीसरा एक खुद से टेबल बिल्ड कर देते हैं या एंटिटी बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड की रेपिटेशन होगी तो रिकॉर्ड को सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखें कहता है The type of relationship is used when for each instance in first entity class there can be many instances in second entity class, और यही चीज़ रिपीट फर्स्ट के लिए हो जाएगी।
एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। अब वो इसकी एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो वो कहता है स्टूडेंट और बुक, ये मैनी का रिलेशनशिप है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो बहुत एक ही किताब को पढ़ते नजर आए, ठीक है ना, या बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहा हो। इसी तरह बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट रीड कर रहे हैं, तो ये भी इसी तरह से ये कहता है कि मैनी टू मैनी का। अब इनमें फाइंड करना मुश्किल काम है कि मैं कहूँ कि इस बुक को कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या इस ये स्टूडेंट कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि इन रिकॉर्ड में जाके तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं सर्च में। आगे जाके तो उनके सोल्यूशन वगैरह देगा, सारा कुछ चीज़ें क्लियर करके चलेगा। ये मैंने सिंबल्स कुछ लिखे थे कि अलग से पता होने चाहिए कि इन चीज़ों के सिंबल कौन कौन से। जब हम कहते हैं ना जो सिंबल यूज फॉर वन रिलेशनशिप, तो ये हमारे पास लाइन आ जाती है। सिंबल यूज फॉर मैनी रिलेशनशिप, मैनी की बात करते हैं तो ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है। अगर इस साइड पे एंटिटी है तो ये वाला लग जाएगा ग्रेटर देन का साइन, और अगर इस साइड पे है तो फिर लेस देन का लग जाएगा। इसी तरह सिंबल यूज फॉर ऑप्शनल मीन के जिसे होता है ना, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसके लिए ये ओवल शेप आ जाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास रिलेशनशिप का सिंबल है। जब भी हम दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि ये दरमियान में लाजमन हम लोग ऐसा करते हैं कि ये रिलेशनशिप का सिंबल देते हैं, जिसके अंदर जैसे लास्ट स्लाइड्स के अंदर देखें ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसी को, यहाँ पे देखें ये रिलेशनशिप का सिंबल इधर आ जाए, दो एंटिटी के दरमियान ये रिलेशन। आगे जी हमारे पास ये आ गया एंटिटी का, एंटिटी का ये रेक्टेंगल आ जाता है, फिर एट्रीब्यूट का आ जाता है, ये बेजवी शक्ल का एक होता है जो रिलेशनशिप, जिसको एट्रीब्यूट का या हम कह सकते हैं कि ये फील्ड का दूसरे लफ्ज़ों में है। लेकिन जब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जाती है तो उस वक़्त इसको एट्रीब्यूट ही कहा जा रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा इधर तक ये रिलेशनशिप वगैरह का चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इंशाल्लाह इसके अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।